सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बात करने वाले उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट के बारे में। उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से लेटेस्ट अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो है गवर्नमेंट जॉब से लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है, सरकारी नौकरी जो भर्ती होती है उससे जुड़ी जो बड़ी अपडेट है वो आपको हमारे चैनल पे यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे सीधे देख लेते हैं जो लेटेस्ट अपडेट है मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। तो उत्तराखंड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में टेक्नीशियन संवर्ग के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों की दिनांक 2 जुलाई 2023 को आयोजित लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजिका संबंधी विज्ञप्ति। 2 जुलाई को इसका एग्जाम्स हुआ था और 2 जुलाई का ही इसका जो है आंसर की यहाँ पे जो है बोर्ड ने यहाँ पे अपलोड कर दी थी। तो 2 जुलाई को इसका जो है एग्जाम्स हुआ था और यहाँ पे जो है यहाँ पे आयोग ने जो है यहाँ पे जो है आंसर की भी जो है 2 जुलाई को ही यहाँ पे अपलोड कर दी थी। अगर किसी अभ्यर्थी को लगता है कि यहाँ पे जो है आयोग की तरफ से जो आंसर की जारी की गई है उसमें कोई आंसर गलत है, तो वो जो है यहाँ पे जो है अपना आपत्ति यहाँ पे दर्ज करा सकता है। दर्ज कैसे करना है वो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में ही आपत्ति अंकित कर बोर्ड की ईमेल जो वेबसाइट है UKMMSSBexams@gmail.com पर साक्ष्य सहित दिनांक 2 जुलाई 2023 रात्रि 12 बजे तक वे प्रेषित कर सकते हैं। बिना साक्ष्य के प्राप्त ईमेल पर कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं की जाएगी। उक्त ईमेल के अतिरिक्त अन्य किसी ईमेल पर डाक या किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आपत्ति अथवा अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत प्रेषित आपत्ति को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ABCD सेट जो 4 सेट हैं इनके आंसर की यहाँ पे आयोग ने यहाँ पे जारी किए गए हैं। अगर आपको देखिए ऑब्जेक्शंस लगाना है किसी क्वेश्चंस को लेकर, उसके आंसर को लेकर, तो यहाँ पे ये फॉर्म दिया है, इस फॉर्म को आपको पहले फिल करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंट आउट निकालने के बाद इस फॉर्म को आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, अपना नाम डालना है और सेंटर कोड डालना है, कैंडिडेट फादर्स या हस्बैंड नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जिस क्वेश्चंस के आपको जो है यहाँ पे करने हैं वहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आपको जो भी आपका ABCD रहा होगा वो यहाँ पे आपको डालना है और फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे डालने हैं। जितने क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे बोर्ड के आंसर्स आपको लिखने हैं और जो आपका आंसर्स हो आपको यहाँ पर लिखना है। साथ में आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर्स, नंबर ऑफ अटैचमेंट का मतलब जो आप एज ए प्रूफ यहाँ पर डालने हैं साक्ष्य के साथ कि ये आंसर इसका करेक्ट है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपका सिग्नेचर, फुल नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी यहां पे आपकी जाएगी। तो ये आपको जो है ऑनलाइन जो है मेल के माध्यम से जो है आपत्ति दर्ज करनी है। किस ईमेल के माध्यम से? UKMSSBexams@gmail.com पे, ठीक है। तो सिंपल है, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है इसमें सीधे ये फॉर्म फिर प्रिंट आउट निकालेंगे, इस फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद जो आपकी सेट है ABCD जो भी इनमें से चारों में से एक सेट आपका रहेगा, जैसे मेरा सेट ए है और सेट ए का मुझे लगता है कि क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए वाला करेक्ट है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे ऑप्शन सी बोल्ड का आंसर और मेरा आंसर है ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सीरियल नंबर 1। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपका सीरियल नंबर रहेगा क्वेश्चंस का। जैसे कि अगर जो है यहाँ पे कोई क्वेश्चंस दिया गया है 42 का, आयोग ने डी ऑप्शन दिया है एग्जाम्पल्स के लिए, जो है 42 का जो है यहाँ पे 1 सीरियल नंबर, 2 सीरियल नंबर, 42 यहाँ पे लिखना है। आयोग ने दिया है आंसर डी, मेरा आंसर है सी, तो मेरा आंसर यहाँ पे सी रहेगा। तो इस तरीके से ही आपको जो है जो भी आपके ऑब्जेक्शंस है आंसर्स को लेकर वो आपको लिखेंगे जिस हिसाब से जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इसका आंसर ये वाला करेक्ट है। उसके बाद एज ए प्रूफ जो भी आपका है जहाँ पर भी आंसर इसका करेक्ट दिया गया है वो आप यहाँ पर इस, चाहे वो आप उसका PDF जो है जो नेट से निकाल रहे हैं, जो बुक्स हैं उसका फ़ोटो खींचेंगे, मतलब एज ए प्रूफ आपको वहाँ पे डालना है, तभी जो है आयोग आपके जो है इन आंसरों को यहाँ पे करेक्ट मानेगा।